गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 मैथ्स। इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 9, सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10 विच इज़ अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो इसमें पहले समझने का कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनानी है आपको ए बी नाम से। टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, इसके बाहर क्या लेना है आपको, एक सी पॉइंट लेना है। थ्रो सी, सी से एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सिर्फ आपको रूलर और कंपास का यूज़ करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बना ली ए बी, हमें दे रखा है, उसके बाहर एक पॉइंट सी लिया और सी को क्या मिला लिया ए बी से। अब इसे आप नाम दे सकते हो, यहाँ पर क्या नाम दे दो, इधर एक्स नाम दे दो इधर। अब क्या करना है आपको, इसका एक डिस्टेंस लेना है, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस ले लो। अब यहाँ इसको पॉइंट मान के इधर एक आर्क काट दो, ये आपने इधर क्या किया, एक आर्क काट दिया। अब क्या करना है, ये जो सी पॉइंट है यहाँ से भी आपको क्या करना है, इस लाइन पे आर्क काट देना है। यहाँ आपने आर्क काट दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये जो पॉइंट लिया, इस पॉइंट की डिस्टेंस को यहाँ तक यहाँ तक आप मेजर करो, इस पॉइंट तक जहाँ आर्क कटा है। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ सी लाइन पे जहाँ इसका आर्क कटा है वहाँ आपको यहाँ से काट देना है। सी लाइन पे जहाँ इसका कटा था आर्क, वहाँ से आपको इसके जो आपने हाफ सर्कल बनाया इस पर एक आर्क आपको काट देना है। अब जब आप इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इधर से मिलाएंगे, तो ये जो लाइन बनेगी अब वो पैरेलल लाइन बनेगी। तो हमने ये जो जहाँ पे आर्क कटा था उसे हमने सी पॉइंट से मिला दिया और एक लंबी लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन बनी है ये ए बी के पैरेलल लाइन बनी है। इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू, इनको भी नाम दे दो, एक्स वाई जेड एल एम, ये आपने नाम दे दिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने क्या किया, एक लाइन बनाई ए बी नाम से, उसके बाहर कोई भी पॉइंट ले लिया आपने सी, और उसको आपने ए बी से मिला दिया, एक सी पॉइंट लेके आपने नीचे से मिला दिया। अब क्या किया आपने, एक्स पॉइंट से क्या किया, किसी भी अपने मन मर्जी से एक अपनी डिस्टेंस ली और उस डिस्टेंस से आपने इस लाइन पर एक्स सी लाइन पर आर्क काट दिया। इस लाइन पे आपने आर्क काट दिया, उसके बाद में क्या किया आपने, उसके बाद आपने ये जो इधर से सी जो पॉइंट था, सी पॉइंट से आपने एक इधर आर्क काटा, हाफ सर्कल बना दिया। अब जो डिस्टेंस यहाँ से वाई जेड पॉइंट की थी, जो डिस्टेंस वाई जेड पॉइंट की थी, वही डिस्टेंस आपने कहाँ से कहाँ तक ली, एम पॉइंट से इस आर्क पे आपने उसी डिस्टेंस पे एक आर्क बना दिया, और इसको जब आपने पूरे लाइन पे मिलाया तो आपका आंसर सेम वही आ जाएगा, आपकी जो लाइन बनी इसी लाइन की पैरेलल ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल, एक आपको लाइन बनानी है, कौन सी, एल। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, आपको क्या करना है अब, एक परपेंडिकुलर बनाना है एल पे, फिर ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, उसमें आपको 4 सेंटीमीटर दूर एक आपको एक्स पॉइंट लेना है और एक्स से आपको एक पैरेलल लाइन डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले बेस लाइन बनाते हैं एल। तो हमने बेस लाइन बना ली एल और इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री एंगल, किसी भी पॉइंट एल पे हमने 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें क्या बोल रहा है ये, हमें इसने बोला कि हमें क्या करना है, इसी परपेंडिकुलर से एक पॉइंट एक्स चूज़ करना है 4 सेंटीमीटर अवे, तो इस परपेंडिकुलर से हमें 4 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट चूज़ करना है एक्स, तो मेजर करना है आपको इसमें 4 सेंटीमीटर। तो आप अपने इस कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे,
ये आपने कंपास 4 सेंटीमीटर खोल लिया और यहाँ इसको ये पॉइंट मान के इस लाइन पे एक आर्क काट दो और इसे एक नाम क्या दे देना है, एक्स। 4 सेंटीमीटर हो गया इसकी डिस्टेंस, लिख दो इधर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद थ्रो एक्स, एक्स से क्या करना है हमें, एक एम पैरेलल लाइन बनानी है एल के। एक्स से हमें क्या करना है, एम पैरेलल लाइन बनानी है एम के। तो हमें इस लाइन को सीधा खींच देंगे इधर। तो आपने जो ये लाइन बनाई, ये एक्स को छूती हुई बनाई और ये लाइन का नाम क्या देना है आपको, एम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो बेस लाइन बनाई एल, उसके बाद आपने क्या किया, बेस लाइन पे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना दिया जिसको आपने क्या नाम दे दिया, स्मॉल एल नाम दे दिया। अब क्या किया, इधर से जो आपने परपेंडिकुलर बनाया यहाँ आपने 4 सेंटीमीटर मेजर करके इस पर क्या किया, एक्स पे आर्क काट दिया, इस लाइन पे आर्क काट दिया और जिस जहाँ पे ये दोनों मिले वहाँ नाम क्या दे दिया, एक्स। और फिर आपने एक लाइन खींच दी पूरी जिस जो आपने जो इस लाइन के एल के पैरेलल लाइन एम मिल गई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एल बी अ लाइन, एक आपको लाइन बोलनी है, लाइन बनानी है एल। P be a point not on L, P आपको एक पॉइंट लेना है जो L पे नहीं हो, ठीक है। उसके बाद थ्रो P, P से ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L, P पॉइंट से क्या करना है आपको, एक लाइन बनानी है M पैरेलल L के, मतलब कि जो आपने इस क्वेश्चन में किया वैसी। उसके बाद में नाउ जॉइन P एज P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, तो चलो पहले जितना बोल रहा उतना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक एल लाइन बना ली, इसने एल लाइन बनाने के लिए बोला था, और एक पी पॉइंट ले लिया और इस पे पी पॉइंट को हमने इससे मिला लिया। अब क्या करना है हमें, पी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक आपका जो मन किया वो डिस्टेंस ले लो, और ये डिस्टेंस ले ली हमने और इधर एक आर्क काट दिया, ठीक है। अब इधर आर्क काट दिया, उसके बाद जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको, सॉरी पहले तो इस डिस्टेंस से आपको वो लेना है, सेम यहाँ पे आपको हाफ सर्कल बना लेना है पहले। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेम हमें वैसा ही करना है। इधर से फिर इसकी जो लेंथ है वहाँ से हमें यहाँ से लेके क्या करना है, किस पे आर्क काट देना है। अब पैरेलल लाइन बनानी है पी से, तो इन पॉइंट्स को यहाँ से मिला के एक लंबी लाइन खींच देनी है। तो ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइन। अब आगे क्या करना है, पैरेलल लाइन का नाम देना है एम। उसके बाद नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, अब आपको जो पी पॉइंट है उसे एल पे किससे जोड़ना है, क्यू से। यहाँ से इसका नाम देना है हमें क्यू, नाम दे दिया हमने। अब चूज़ एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, आर पे आपको एक पॉइंट का नाम देना है क्या, आर। M लाइन पे आपको एक पॉइंट का नाम R दे देना है, थ्रो R। अब R से क्या करना है आपको, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, PQ के पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है, PQ के पैरेलल लाइन बनानी है। अब व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज, अब पैरेलल लाइन अगर दो मिलती हैं तो कौन सी शेप बनती है। तो चलिए पहले इसके पैरेलल लाइन हम बना लेते हैं, इसके पैरेलल लाइन इधर बना लेते हैं। चलिए तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी जितनी डिस्टेंस है पी क्यू की वो डिस्टेंस मेज़र करेंगे और आर पे से एक आर्क काट देंगे एल लाइन पे। आर पे से आर्क काटेंगे जब एल लाइन पे, और जिस पॉइंट पे यहाँ ये इससे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसे हम मिला देंगे ऊपर से। तो इसे हमने मिला दिया और इसका नाम दे दिया एस। जितनी ये डिस्टेंस थी उतनी डिस्टेंस पे आर से लेके हमने इधर आर्क काट दिया और इधर एस लाइन बना लिया। अब इसमें एक ये तो हमारा फिगर तो बन गया। अब एक चीज़ पूछी थी कि आपके इसमें कौन सी शेप बनती है, तो कौन सी शेप बनती है पैरेलल लाइंस से, कौन सी शेप बन रही है हम अगर देखें तो या तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा,
सॉरी रेक्टेंगल नहीं, या तो हमारा रोम्बस बनेगा या फिर पैरेललोग्राम बनेगा। तो नॉर्मली ये एक पैरेललोग्राम जैसा ही बनता है क्योंकि इसमें दोनों चारों लाइन इसकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। इसकी जो थ्योरी है वो आपको PDF में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम 10.2 शुरू करेंगे।